हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमने बना के रेडी किया है। तो आप देख सकते हैं, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, कितना स्पॉन्ज, कितना टेस्टी है। तो आप ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दूध लिया है। दूध में ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो आपके पसंद हो आप ले सकते हैं, नहीं तो पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। इसे गाढ़ा होने तक हम पकाएँगे। इलायची पाउडर डाल देंगे, अच्छे से हमें पकाना है। हमने यहाँ पर आधा लीटर लिया था दूध, तो कम से कम 250 से 300 ग्राम बचना चाहिए। तो हमने गैस बंद कर दिया है, देख लिए अभी और ठंडा होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप फ्रेश दही लिया है, 1/2 कप चीनी लेंगे। अच्छे से हमें इन्हें मिला लेना है, चीनी बिल्कुल हमें मेल्ट कर देना है, ऐसे मिला लेना है, एक साथ करना है। यहाँ पर मैंने ऑयल डाला नहीं है, घी का इस्तेमाल किया है, बटर भी ले सकते हैं। वनीला एसेंस डाल देंगे यहीं पर 1 टेबल स्पून, और इसको भी अच्छे से हमें मिला लेना है। तो अच्छे से हमें मिलाना है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप कटोरी हम 1 कप मेज़रमेंट के लिए रख लें, अब उसी से नाप सकते हैं। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है मैंने 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने सोडा लिया है। दोनों को अच्छे से हमें मिला लेना है। 1 पिंच हमने यहाँ पर नमक लिया है, इसे टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर डालें। अब इन तीनों को अच्छे से हमें मिला लेना है। ज़रूरत के अनुसार दूध मिलाते रहेंगे इसमें, जितनी हमें ज़रूरत है। तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम दूध मिलाएंगे, एक साथ दूध नहीं मिलाएंगे। ये वही दूध है जो हमने रबड़ी बना के तैयार किया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसमें रबड़ी का भी टेस्ट आएगा। तो अच्छे से हमें मिला लेना है। तो अभी दूध की और ज़रूरत है, तो थोड़ा सा हम फिर से दूध निकाल लेंगे और डाल देंगे। तो यहाँ पर फिर से हमें 3 टेबल स्पून दूध डालना है, हल्के हाथों से हमें मिला लेना है। तो जब तक हमें इसे मिक्स करना है, तब तक बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी रिबन जैसी ना हो जाए। तो ये नॉर्मल कटोरी हैं जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, तो उनको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और हमने कढ़ाई को तो यहाँ पर हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया है, तो कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। बटर पेपर लगा लेंगे और इस तरह से हमें फिल करना है, हमें ऊपर तक नहीं भरना। तो बस इन्हें इस तरह हम टैप कर लेंगे, ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा लुक आता है, तो आप ज़रूर डालें। इस तरह से हम सब में डाल देंगे, फिर से टैप कर लेंगे। अच्छे से टैप करने के बाद हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, एक जाली रखेंगे और इस तरह से हमें रख देना है, केयरफुल ही रखना है। कढ़ाई काफ़ी गर्म है, ढक के इसे हम 30 से 40 मिनट पकने देंगे। इससे पहले भी आप चेक कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आप इस तरह से, जिसे 2D स्टिक से हम चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं ये पूरी क्लियर आई है, बिल्कुल हमारा केक बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए इन्हें हम ठंडा करने के बाद डिमाउंट कर लेंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रही है ना, एक देख सकते हैं इसकी लेयर स्पॉन्ज कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है हमारा कटोरी केक। तो इन्हें हम निकाल लेंगे और फिर से वापस इसी कटोरी में हम रख देंगे। तो अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ उसके जाली कितनी परफेक्ट है। तो इस तरह से कट कर लेना, तो आप देखिए एक एक जाली कितनी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से हमें फिर से इसी कटोरी में वापस रखने के बाद इस तरह से हमें हल्के हल्के छेद कर देना है, ताकि जब हम रबड़ी डालेंगे तो अंदर तक रसीला एक कटोरी हमारा लगे। तो इस तरह से हमें कर लेना, आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं। तो ये हमारी रबड़ी ठंडी हो चुकी है, पहले से काफ़ी गाढ़ी है। तो देख सकते हैं इसे अच्छे से हम मिला लेंगे फिर से। अच्छे से मिलाने के बाद इसी कटोरी में हम डाल देंगे और ऊपर तक काफ़ी भर देंगे, जिससे हमारी रस मलाई बन के रेडी हो गई है। देखिए बहुत टेस्टी बन के रेडी होती है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।